इस वीडियो के एंड में सरप्राइज है। ये वीडियो एक अपडेट वीडियो है हमारे हुंडई अल्कज़ार के फेसलिफ्ट के बारे में। हुंडई अल्कज़ार के फेसलिफ्ट के दो तीन और स्पाई शॉट जो है वो देखे गए हैं एंड जो गाड़ी के ओवरऑल डायमेंशंस है वो मुझे सेम लग रहे हैं, बट डेफिनेटली जो उसकी जो DRLs है फ्रंट के, राइट, हेडलैम्प्स हैं और टेल लाइट्स हैं, उनमें चेंजेस हैं। आप इन स्पाई शॉट्स में देख सकते हैं कि वो चेंज हमको दिख रहा है। मैं भी अभी करंट जनरेशन ऑफ अल्कज़ार को ही ड्राइव करते करते वीडियो बना रहा हूँ एंड जो चेंजेस कन्फर्म्ड है, जो मुझे डीलरशिप से मालूम पड़े जितनी मैंने हुंडई में जाके बात करी है, उसके हिसाब से पहली बात तो आपको ये जो फ्रंट सीट है इसमें आपको मिल जाएगा मेमोरी सीट फंक्शन, ठीक है, ताकि आप अपनी सीटिंग पोजीशन को फिक्स कर सके और उसको बार बार मतलब एडजस्ट ना करना पड़े। दूसरा आपको इसमें मिल जाएगा ADAS, ऑलराइट। और एक चीज जो काफी अच्छा फीचर आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको लेन असिस्ट का। अभी के अल्कज़ार में क्रूज कंट्रोल तो है नॉर्मल वाला, बट उसमें लेन असिस्ट नहीं है, राइट। कहने का मतलब ये, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये है आपकी अभी वाली अल्कज़ार, इसमें आपको क्रूज कंट्रोल का फीचर तो मिल जाता है यहाँ पे, ऑलराइट। तो गाड़ी जो है मेरी अब चलती रहेगी एट द स्पीड ऑफ 41 किलोमीटर पर आवर, बट ये सामने जो आपको लेन मिल रही है इस लेन में गाड़ी खुद से नहीं रह रही, मेरे को स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल करके इसको लेन में रखना पड़ रहा है। तो न्यू वाली अल्कज़ार में लेन असिस्ट भी आएगा इसके साथ, जिससे कि आपकी जो गाड़ी है वो एकदम अपनी लेन में चलेगी विदाउट इवन होल्डिंग द स्टीयरिंग व्हील। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम भी रहेगा कि सामने कोई अगर कोई ऑब्स्टिकल आता है तो वहां पे गाड़ी खुद से ब्रेक मारती है। तो ये सब जो अपडेट्स है आपको बेसिकली आई थिंक न्यू वाली अल्कज़ार में मिलने वाले हैं। बाकी जैसा कि मैंने कहा, डायमेंशंस गाड़ी में इतने कुछ चेंजेस नहीं दिख रहे, गाड़ी के इंजन में ऐसा कुछ चेंज नहीं है, हो सकता है कि एक आध फीचर और डाल दें। मेरा रिकमेंडेशन जो हुंडई को रहेगा वो ये है कि गाड़ी भले ही उसके डायमेंशंस कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़े हो, लेकिन उसका लुक ये लुक और अग्रेसिव कर दे, बिकॉज अल्कज़ार जो है वो सेम प्राइस पॉइंट पे आती है एज कम्पेयर टू हेक्टर सफारी और XUV 700। और एक चीज जो लोग कंप्लेंट करते हैं वो ये है कि हेक्टर सफारी और XUV 700 थोड़ी ज्यादा मस्कुलर और डोमिनेटिंग लगती है रोड पे। फीचर वाइज तो अल्कज़ार बेस्ट है, माइलेज में बेस्ट है और रिलायबिलिटी में भी बेस्ट है। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी जो ओवरऑल लुक आता है, अल्कज़ार भी काफी बड़ी और चौड़ी लगती है, लेकिन ये गाड़ियां थोड़ा सा उसमें इसको सरपास करती हैं। तो अगर हुंडई ने इसके लुक को थोड़ा सा और मस्कुलर और डोमिनेटिंग बना दिया लाइक इट्स कंपेटिटर्स, तो आई थिंक इट इज गोइंग टू आउटसेल इन दिस सेगमेंट। राइट नाउ इट इज अबव द हेक्टर बट लोअर देन द सफारी एंड द XUV 700। उसके बाद एक फीचर और जो हम इसमें देखते हैं वो है वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले, ऑलराइट। अभी वाली अल्कज़ार में ये वायर्ड है, ये वायरलेस नहीं है, ओके। जो न्यू वाली अल्कज़ार है उसमें ये आपका वायरलेस होपफुली ये लोग दे दे, बिकॉज दैट इज मोर कन्वीनियंट, क्योंकि तार लगा के कौन भाई मूवी सीरियल देखेगा यार, गाड़ी भी तो चलानी है साथ साथ में। तो आई होप कि ये जो फीचर है ये लोग वायरलेस फॉर्म में दे देते हैं। बाकी अंदर की इंटरनल लाइटिंग, एम्बियंट लाइटिंग वो तो मोर और लेस मतलब सेम ही रहने वाली है, उसमें कोई चेंज आ सच नहीं होगा। उसके बाद जो उसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, मेरे को लगता है अभी तो ऐसी सिंपल टाइप की ऐसी नहीं रहेगी, जो न्यू जनरेशन है क्रेटा उसी से इंस्पायर होके पूरा आपका कनेक्टेड इंस्ट्रूमेंट पैनल और इंफोटेनमेंट स्क्रीन लेफ्ट से लेकर राइट तक आपका रहेगा, जैसा अभी ऐसा नहीं रहेगा। हालांकि अभी भी ये काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। बाकी जो इंटीरियर्स में एक इसका ब्राउन लेदर टच है, आई थिंक इसमें भी कोई ऐसा चेंज नहीं होने वाला। सो थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, बट जो भी चेंज होंगे वो उस गाड़ी को बेटर बनाएंगे एंड आई वुड से हर एक चेंज उस गाड़ी को इम्प्रूव करेगा और एक बेटर सेलिंग पॉइंट देगा। एंड आई होप द अल्कज़ार गिव्स मोर कॉम्पिटिशन टू इट्स कॉम्पिटिटर्स, बिकॉज इट इज अ वेरी रिलायबल कार एंड अ वेरी अंडर रेटेड प्रोडक्ट। बाकी सबको लगता होगा कि चैनल पूरा अल्कज़ार को ही डेडिकेटेड है, बट ऐसा नहीं है, ये एक जेनरिक कार रिव्यू चैनल है जिसमें हम सारी गाड़ियों को रिव्यू करते हैं। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अगर लगा होगा तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे। अभी न्यू गाड़ियां खरीदने वाले हैं, बिकॉज जनरली इस चैनल पे जो गाड़ियां अपकमिंग होती हैं, न्यूली लॉन्च होती है, उनके बारे में मैं अपडेट वीडियोस और रिव्यू वीडियोस बनाता रहता हूँ और एकदम ऑनेस्ट रिव्यूज होते हैं मेरे, जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ उसी में बनाता हूँ। तो आई होप आपको ये वाला वीडियो बहुत पसंद आया होगा।
एंड आई होप मेरी फ्यूचर वीडियोज भी आपको इसी तरीके से जो है पसंद आते रहे. एंड आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर द फेसलिफ्ट ऑफ द Hyundai Alcazar. And let's see what Hyundai does this time. Thank you for watching this video and giving me your time. See you later. हो गया अब तक रुके हो? Good. और guys एक मतलब जो question मुझसे काफी लोगों ने पूछा है और काफी लोगों के दिमाग में question है कि Hyundai Alcazar का जो है facelift आने वाला है अभी. तो क्योंकि उसका facelift आने वाला है तो क्या अगर हम जो current model है Alcazar का उसको अभी एकदम न्यूली न्यू परचेज करें तो क्या उसमें हमको हैवी डिस्काउंट मिलेगा? ये क्वेश्चन काफी कॉमन क्वेश्चन है एंड इसका आंसर आई वुड से यस भी नहीं है नो भी नहीं है बिकॉज मैंने जितना डीलरशिप्स में पता करा है, मैं लखनऊ में रहता हूं तो मैंने एक तो डीलरशिप से पूछा है तो कोई बेस मॉडल पे डिस्काउंट दे रहा है, कोई टॉप मॉडल पे 75,000 का डिस्काउंट दे रहा है, कोई डिस्काउंट दे नहीं रहा है, बोल रहा है कि जो गाड़ी का प्राइस है उसी पे गाड़ी बिकेगी. सो गाइज ये ना आपकी डीलरशिप पे डिपेंड करता है. आप उनको बोल सकते हो कि हम फेसलिफ्ट नहीं खरीद रहे, हम आपका यही वाली जो यूनिट्स है इन्हीं को परचेज कर रहे हैं तो आपका फायदा ही कर रहे हैं एक तरीके से, तो इसलिए आप हमको थोड़ा डिस्काउंट दिला दो. तो ये सब बातें मतलब पर्सनल कनेक्ट और पर्सनल कॉन्वर्सेशन के हिसाब से मतलब आपको खुद मैनेज करनी पड़ेगी. बट जितना मुझे लगता है कि प्रोबेबिलिटी हाई है कि जब किसी गाड़ी का फेसलिफ्ट आने वाला है तो ऑफकोर्स ये बात है कि जो उसका पुराना मॉडल है उस पे आपको कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि इससे मतलब कार कंपनीज को फायदा है बिकॉज कार कंपनीज बेचारी अपने गाड़ियों के एडवेंचर एडिशन निकाल निकाल के अपने गाड़ियों के यूनिट्स को बेचने की कोशिश करती हैं. तो डेफिनेटली कोई अगर खरीदना चाहेगा पुराना मॉडल तो डेफिनेटली वो जो कंपनी उसे कुछ ना कुछ डिस्काउंट देगी. तो इसके बाद आप एक बार अपनी जो डीलरशिप है उस पर कर सकते हैं और वो इस पे आपको एक क्लियर आउटलुक दे पाएंगे. ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है भाई, मैं चलता हूँ. ओके ओके बाय.